हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूट्यूब तरफ से दो बहुत ही बड़ा अपडेट आया है और ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक यूट्यूबर है तो खास करके वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये अपडेट जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्या अपडेट है आज की इस वीडियो में जानने वाले, छोटे तक देखिएगा। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को। पहला अपडेट है वो है दोस्तों लाइव क्यूएनए से रिलेटेड। जैसे दोस्तों मान लीजिए आप अपने चैनल पर लाइव करते हैं और आपके व्यूअर्स आपसे जुड़ते हैं, तो क्या होता है कि जब चैट में वो जाते हैं कमेंट बॉक्स में और वहाँ से जब चैट करते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आपका चैट स्क्रॉल होता है। अगर वो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो पिक नहीं हो पाता है, बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ जाता है अगर ज़्यादा आपके व्यूअर्स आए हैं लाइव में जुड़े हुए हैं। तो YouTube क्या कर रहा है कि उसी लाइव चैट में एक Q&A का ऑप्शन लेके आएगा। दोस्तों, जब आप Q&A ऑप्शन आप अपने चैनल पे इनेबल कर देंगे, एक्टिव कर देंगे सेटिंग से जाके, दोस्तों जब आप लाइव आएंगे तो आपके चैट में वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिल्टर करने का Q&A का। तो कोई भी आपका जो व्यूअर्स है लाइव है, अगर वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो दोस्तों वहाँ पे Q&A का ऑप्शन जो आएगा उस पर क्लिक कर देगा और उस Q&A में अपना क्वेश्चन डाल सकता है। जब उस Q&A में अपना क्वेश्चन आपको भेजेगा दोस्तों, तो जो उसका क्वेश्चन होगा, स्पेशली जो उसका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन जो पूछेगा वो आपको वहाँ Q&A में शो होगा। और जो क्वेश्चन आपका Q&A में शो होगा दोस्तों, वो स्क्रॉल नहीं होगा, वो आपका क्वेश्चन वहीं पे रुका रहेगा। आप उसे स्क्रॉल करके देख के और सबका जवाब वहाँ से रिप्लाई आप दे सकते हैं। वो फास्ट स्क्रॉल नहीं होगा, अपने आप से वो पिक नहीं होगा, क्वेश्चन अपने आप से नहीं जाएगा, ठीक है। उसे आप धीरे धीरे करके स्क्रॉल करके जैसे मैसेज पढ़ते हैं वैसे स्क्रॉल करके उसे आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये था पहला अपडेट, बहुत ही हेल्पफुल अपडेट था, क्योंकि दोस्तों जब आप Q&A का जवाब दोगे अपने व्यूअर्स को तो आपके व्यूअर्स आपके साथ बने रहेंगे और उन्हें लगेगा कि आप उनकी केयर कर रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा था। तो जो दूसरा अपडेट है वो है, वो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। वो अपडेट ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपकी वीडियो पे कोई गाली दे रहा है आके, या कोई गलत कमेंट आपको कर रहा है, आपकी वीडियो पे आ रहा है गलत कमेंट कर रहा है, या लाइव में आता है आपको गलत कमेंट करता है, कुछ भी आपको डिमोटिवेट करना चाहता है। तो अभी तक क्या होता दोस्तों कि उसे जब आप रिपोर्ट करते थे तो उसे आप ब्लॉक कर देते थे उस चैनल को, ठीक है, या उसे रिपोर्ट करके स्पैम में डाल देते थे। जब ब्लॉक कर देते थे तो आपके किसी भी वीडियो पे वो चैनल आके अपने उस चैनल से आपको कमेंट नहीं कर पाता था। लेकिन YouTube यहां एक ऑप्शन देगा हाइड चैनल का, ठीक है। अब दोस्तों जब आपके पे कोई भी कमेंट आता है, अगर उसे रिपोर्ट करने जाते हैं तो वहां एक हाइड चैनल का ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपके तरफ से वो चैनल हाइड हो जाएगा। जब उस चैनल को आप हाइड कर देंगे तो जो कमेंट करेगा आपकी वीडियो पे तो कमेंट करेगा, लेकिन वो कमेंट उसी को शो होगा, बाकी किसी व्यूवर्स को नहीं शो होगा, ना ही आपको शो होगा, ना ही किसी और यूट्यूबर्स को शो होगा। बस वो कमेंट दोस्तों जिसका चैनल है आप जिसे हाइड किया उसी को बस शो होगा, ठीक है। तो वो कमेंट करता रहेगा, उससे कोई मतलब आपको नहीं रहेगा, वो कमेंट करता रहे करता रहे, उसे लगेगा कि आपको शो हो रहा है लेकिन आपको नहीं शो होगा, ना ही किसी अदर व्यूवर्स को शो होगा। तो दोस्तों ये था दोनों अपडेट। इन दोनों अपडेट में आपको कौन सा अपडेट अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहा हूँ, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।